नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद एक बार फिर से लैंड जिहाद का मामला गर्मा गया है, क्योंकि सीएम ने सरकारी विशेषकर वन भूमि पर सभी तरह के अतिक्रमणों को 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। पर बयान से इतर अगर ग्राउंड पर सर्वे की बात की जाए तो अब तक वन भूमि पर लगभग 1000 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। तो आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि सीएम धामी ने कोट किया है कि देवभूमि में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। जनता टीवी को ऐसा लगता है कि इस मसले को धर्म के चश्मे से ना देखकर गंभीर समस्या और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जून 2021 जुलाई 22 में सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की जमीन पर निर्माण को पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दिया था। इसके बावजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कालाढूंगी के जंगलों में अवैध मजारों की भरमार है। कालू सैयद की 10 तो सैयद बाबा के नाम से आधा दर्जन से ज्यादा मजारे अलग अलग जगहों पर देखी जा रही हैं, चिन्हित की जा रही हैं। और इसी के साथ सवाल कि क्या देवभूमि में पिछले लगभग 1.5 दशक में आई अवैध निर्माणों की भरमार कोई साजिश है? इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र कुमार मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की तरफ से। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में अक्सर जुड़ते रहते हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत, माफी के साथ कि हो सकता है कि अंत या मध्य में आपकी आवश्यकता पड़े। मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हमारे साथ में मौलाना नाजिम अशरफी जी। मौलाना साहब बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आप पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके जुड़ने के बाद तुष्टिकरण की दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि के अलग भी हम इस मसले को देख पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आप एक जहीन व्यक्ति हैं और हमें यह लगता है कि धार्मिक चश्मे से इतर भी इस विषय को हम देखने का प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी सबसे पहले शुरुआत आपसे मैं करूंगी। जिस तरीके से बीजेपी ने एकाएक ये फैसला लिया, हालांकि 102 निर्माण आप पहले भी धराशायी कर चुके हैं, लेकिन अचानक से सीएम धामी का यह बयान आता है हल्द्वानी दौरे के दौरान कि 1000 के करीब चिन्हीकरण हो चुका है, सर्वे अभी भी जारी है, 30 जोन्स में जारी है, लेकिन हम 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, खुद से हट जाइए नहीं तो हटा दिया जाएगा। देखिए, मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे गंभीर विषय को उन्होंने जो है जांच कराई और उस विषय को जो जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा जमीनों को कब्जाने का जो प्रयत्न कर रहा है एक धार्मिकता की आड़ लेके। देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा जी, ये नया मामला नहीं है। अभी इसमें स्वयं लोगों ने शिकायतें करी। अभी अगर आप 3-4 महीने पुरानी बात देखेंगे तो यहीं पे हमारे देहरादून क्षेत्र नवादा में एक गली के अंदर गली के कोने में एक व्यक्ति ने जो है ईंटे ऊंटे लगा के तिरपाल लगा के वो बना दिया। फिर वहां के लोगों ने शिकायत करी कि जी यहाँ तो था नहीं, अभी ये कैसे आ गया। तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने शिकायतें करने के बाद उसको वहां से हटाया गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थी भावना, जिसकी जन भावना को कदर करते हुए और जिस प्रकार से हमारे जंगल एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जिनके अंदर जाना भी संभव नहीं है, जो 6-6 महीने बंद रहते हैं, ऐसी जगहों पर आप बताइए मजारे बन जाना, जहां से अगर पर्यटन घूमने भी जाता है तो जिप्सी से नीचे नहीं उतर सकता, उन जगहों पे आपने जो है ऐसी मजारे बनवा दी धार्मिक आड़ लेके, तो ये कहीं ना कहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता रविंद्र जी कि ये फैसला सिर्फ मजारों के लिए नहीं, मंदिरों के लिए भी होना चाहिए? क्योंकि देवभूमि की अगर हम बात कर रहे हैं तो देवभूमि के कणकण में राम है, कणकण में ईश्वर का वास है ये कहा जाता है, और जब आप देवभूमि के अंदर कदम भी रखते हैं तो हर चौराहे पर, हर सड़क के किनारे आपको मंदिर दिख जाते हैं, बहुत सरलता से मंदिर भी दिख जाते हैं, तो क्या इन अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मंदिर है कि जो अतिक्रमण के लिए या जमीन कब्जाने के नाम पे बनाया हो। कई सारे मंदिर मुझे पता है, चाहे हरिद्वार में हो,
चाहे एक हल्द्वानी में बीच नदी के अंदर है, उसकी परमिशन लेके मंदिर बनाया हुआ, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि मंदिरों को को भी ऐसी जगहों के लिए बनाया गया। तो आप देखेंगे जहां पे मंदिर बना हुआ है या तो उसकी परमिशन है या लोगों की कहीं ना कहीं आस्था है। और लेकिन किसी भी प्रकार से एक नाम से एक सैयद, ठीक है, सैयद कालू को कोट कर रहे थे यहाँ पर रविंद्र जी। मैं यहाँ पर अशरफ जी के पास चलूंगी, हमारे साथ में नाजिम जी जुड़े हुए हैं, आपकी जगह नाजिम जी के पास जाऊंगी। नाजिम जी देखिए, मैं एक लॉजिक समझना चाहती हूँ कि एक इंसान के नाम से क्या 10 से 12 मजारें हो सकती हैं? क्या आस्था का केंद्र एक हो सकता है, एक जगह हो सकती है, लेकिन 10 से 12 मजारें एक ही इंसान के नाम पर हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? पहले तो इस पर प्रकाश डालिए। देखिए जनता टीवी पर सभी को आदाबर्द है, जय हिंद जय भारत जी। एक नाम से 10 मजारे, ये किसने कहा एक नाम से 10 मजारे हैं और 10 मजारे हो सकती है? सैयद कालू के नाम से 10 मजारे हैं, सैयद बाबा के नाम से आधा दर्जन मजारे हैं यहाँ पर देवभूमि के अंदर। और मैं आपको जगह कोट कर दूंगी, आप प्लीज जाइए उस जगह पर और देखिए, मैं जगह कोट कर देती हूँ आपके लिए अगर आप चाहते हैं। कालू भूरे शाह, इमली वाले बाबा, ढपली वाले पीर बाबा जैसे नामों से मजारे आपको बहुत सरलता से मिल जाएंगी, ये हमने सर्वे करवाया है। जी असल में ये बड़ी अजीब सी बात है, एक आदमी की कब्र एक ही तो की कब्र, मजार जो कब्र होती है, बिल्कुल मजार कोई एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र नहीं है, कोई आस्था की चीज नहीं होती मजार। अब जैसे किसी का पिता चला गया, किसी का बाप चला गया, तो उसने अपने बाप को अपने इसाले सवाब कर दिया, दरूद शरीफ पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत आयते करीमा पढ़ी और उनको इसाले सवाब कर दिया। मजार का मतलब ये नहीं कि मजार हमें कुछ देते हैं या मजारों से हम कुछ हासिल करने के लिए हम वहां नहीं जाते, लेकिन हाँ हमारी मोहब्बतें हैं, हम उन लोगों से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन एक आदमी की एक ही तो कब्र होगी। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी के नाम से 10 मजार? देखिए वो अलग बात है कालू बाबा या भोले सा बाबा या भूरे सा बाबा, लेकिन वो बाबा अलग ही होंगे, एक आदमी की एक ही कब्र होगी जी। तो मेरे हिसाब से एक आदमी के नाम पे इतना ईटा गारा और प्यार क्यों लुटाया जा रहा है? देखिए ये सब गलत बातें हैं जी। ये इसका बिल्कुल कोई भी औचित्य किधर से नहीं बनता, कोई वेश इसका नहीं है। आप खुद जानिए, मैं इस्लाम बिल्कुल नहीं मानता, इस्लाम सिर्फ एक जन्म में विश्वास रखता है जी। एक जन्म होता है बंदे का, एक जन्म हो गया उसके बाद उसको खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तो उसकी एक ही कब्र हुई ना। अब उसका तो 7 जन्म तो हुए नहीं, तो 7 कब्रें भी नहीं हो सकती, आप तो 10 कब्रों की बात कर रहे हैं। मजार जो कब्र को कहते हैं, जैसे श्रीमान हमने लगा दिया, बतौर अदब हम मजार कहते थे कब्र को, होती कब्र है मजार कोई अलग। यानी कि आप अगर एक कब्र को छोड़ करके, एक मजार को छोड़ करके जिसके नीचे शरीर के अवशेष हो, जिसको खुर्द बुर्द किया जाए तो पता चले कि इसके नीचे शरीर के अवशेष हैं, उसके अलावा अगर बाकी जो निर्माण है उनको हटाया जाता है तो आप उसके पक्ष में हैं? नहीं मैं हटाए जाने के नहीं हूं, अगर कोई मजार है तो उसको क्यों हटाया जा रहा है? अगर किसी गलत जगह पर वो है, किसी की जगह पर, और वो नहीं चाहता, तो मसलन हम उसको दफन भी नहीं कर सकते। मेरी जगह है और कोई आदमी मेरी जगह में दफन होना चाहता तो मैं उसको मना अगर कर रहा हूं तो मैं वो नहीं उसको दफन कर सकते, ये जायज नहीं है इस्लाम में। और एक चीज, जहां तक अवशेष का सवाल है, अवशेष तो आप किसी के भी देखिए, हड्डियां ही तो होती हैं अवशेष, वो तो गल जाती हैं। तो एक छोटे छोटे कड़ होते हैं राई के दाने से भी छोटे, जो इस्लाम कहता है, मतलब औरों की आस्था और चीजों में हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहुत राई के दाने से भी छोटे छोटे जो हम सूक्ष्मदर्शी से भी कम ही देख सकते हैं वो कण बच जाते हैं। तो हमारा ईमान यह है, कयामत के दिन उनमें अल्लाह जो रूप फूकेगा उनमें जान डाल देगा और फिर मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो अवशेष तो उसके नहीं मिलेंगे। अभी अगर किसी की 20 साल की बात है तो 20 साल या 50 साल में तो हड्डियां गल जाएंगी, तो अवशेष कहां मिलेंगी? मसलन अगर किसी हिंदू भाई की चिता जला दी जाए और उसका कहीं मठ बना दिया जाए उसको, और हम कहें कि इसके नीचे से खोदने से अवशेष नहीं मिले, तो कैसे अवशेष मिलेंगे उसके, कैसे मिलेंगे उसके अवशेष? आप मुझे बताइए, यानी कि वो मजार होने, अवशेष हो या ना हो, मजार रहने दी जाए? नहीं, मजार इसलिए रहेगा क्योंकि वहां से, देखिए मैंने कहा ना, अभी रीढ़ की हड्डी में जो हमारी कमर की रीढ़ होती है उसकी हड्डी में छोटे छोटे कड़ होते हैं जो हम नहीं देख सकते, वो आदमी के जिंदा रह जाते हैं कयामत तक, ये इस्लाम कहता है। अपने औरों के धर्मों की आस्था अलग अलग है, इस्लाम की आस्था बता रहा हूं मैं, तो वो हड्डियां या वो कण वहां पर हैं। चले मैं विनोद जी के पास जाऊंगी। विनोद जी, यहाँ पर हमारे साथ में नाजिम जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आस्था का बहुत बड़ा पार्ट पढ़ाया है
कि रीढ़ की हड्डी के बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें अल्लाह जान फूकेगा कयामत के दिन, और उन कब्रों को खुर्द-बुर्द करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। लेकिन धामी सरकार ने तो ठान लिया है कि वन भूमि पर अगर होगा तो हटाया जाएगा, क्योंकि गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हजारों मजारों का बाजार है जी, और ये जिस तरह से बाजार इन्होंने खोला है, ये देश की देव भूमि को दैत्य भूमि बनाने का एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली इस तरह से मेरे पास हजारों इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि कभी मुजफ्फरपुर से तो कभी इधर अपने उत्तर प्रदेश से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से ये लोग चूड़िया बेचने जाते हैं, कभी कोई पंचर का काम करने जाते हैं, कभी कोई और इस तरह के काम करने जाते हैं, जो कि महिलाओं के साथ मोबाइल बेचने जाते हैं, तो महिला के घरों में एंट्री और एंट्री करके उनको बरगला करके, फिसला करके और धमकी पूर्वक उनका लव जिहाद धर्मांतरण के केसेस ये उत्तराखंड के अंदर बड़े पैमाने पर बढ़ रहे थे। जब हमने शिकायत करी इसकी जो मजारों की, तो ये मजार जैसे मौलाना साहब ने बड़ा सही कहा कि ये मजार नहीं है, ये तो कब्र है, और कब्र बेसिकली कब्र एक कब्रिस्तान के अंदर होती है। जो हमने कहा है कि ये जो कब्रिस्तान है उसमें कब्र होनी चाहिए। अब आखिरकार मजारों का बाजार लगाने का क्या औचित्य है भाई? जंगल में जो आदमी रहता नहीं, उसके पांच पांच दस दस किलोमीटर दूर तक कोई है ही नहीं, तो आखिरकार मजार वो मुर्दा उठ के वहां कैसे चला गया? एक बात। दूसरी बात ये, जिन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि भाई कयामत में जाकर के अल्लाह उसमें जान फूंकता है, मुझे नहीं पता खैर इनका जो रिलीजन क्या कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ जब जान फूंकता है तो फिर इसका मतलब पुनर्जन्म में विश्वास हो गया आपका, वो जो जन्म हो गया ना जी, तो ये बेसिकली थोड़ा इलॉजिकल चीजें लगती हैं, लेकिन खैर अपनी मान्यता इस्लाम में अलग अलग हो सकती है। मेरा कहना यह है कि देखिए ये जो मजारों से कोई आस्था का कोई बिंदु नहीं जुड़ा हुआ, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग रिमार्क एक पैनलिस्ट के लिए थे कि मजारों को हटाया जा रहा है तो मंदिरों को भी हटाया जाए, और भी मंदिरों का मजार से कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट द रिलीजियस प्लेसेस। मैं कहता हूँ देखिए एक मजार की या कब्र से किसी का आस्था हो सकती है, जैसे मौलाना साहब ने कहा बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई मेरे पिताजी की मजार है, कोई मेरे पिताजी का कब्रिस्तान है तो मेरी आस्था होगी ना, ये मौलाना साहब की क्यों होगी, पूजा की क्यों होगी भाई? यहाँ तो ये स्थिति ये बन रही है कि अगर किसी मजार को जो इल्लीगल बनी हुई है उसके लिए पूरा समुदाय उठ के खड़ा हो रहा है। आप देखिए कि ये बड़ा बड़ा विचित्र स्थिति है देश के अंदर कि देवभूमि उत्तराखंड, नाज़िम साहब आपका काम चल रहता रहता हिंदू है, जाता हिंदू है और वहाँ आस्था हिंदू की है, लेकिन उसके बावजूद मजारा मुसलमानों की बन गई, क्यों भाई? ये गहरा षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ न सिर्फ इन पर बुलडोजर चलना चाहिए बल्कि गहरी जांच होनी चाहिए, जो कि वो जांच जो कि पूरा पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर सके, आखिर का ये जो देवभूमि है उसको दैत्य भूमि बनाने का षड्यंत्र कौन रच रहा है? आखिरकार कौन लोग हैं जो इसकी संस्कृति को समाप्त करने पर उतारू हैं, और कौन लोग हैं जो मजारों को और कब्रों को अपनी आस्था के साथ जोड़ रहे हैं? आस्था कहां है भाई? मैं एक और बात अंत में कह दूं, देखिए जब ये कहता है कोई कि मजारों हमारी आस्था है, तो मैं कहता हूं उस मजारों को तो पूजने का काम कर रहे हो, और पूजा इस्लाम में जायज नहीं है। जब पूजा इस्लाम में जायज अगर होती तो भारत माता की जय का विरोध क्यों करते भाई? आप तो कहते हैं भारत माता की जय मिश्रे नहीं करते तो बुद्ध पूजा करते हैं, वो बुद्ध पूजा नहीं करते, इस्लाम में बुद्ध पूजा हराम है, पर बुद्ध पूजा तो हराम है लेकिन मजार पूजा हराम नहीं है। ये कल नाज़िम साहब, नाज़िम साहब आपका काउंटर है जी, देखिए बताऊं, इसमें पूजा तो सनातन में भी नहीं है, मूर्ति पूजा तो सनातन धर्म में भी नहीं है, ऊर्जा तो किसी भी धर्म में नहीं है, सारे धर्मों की आस्थाएं जो है हर धर्म आदमी को अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नाज़िम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान की मजार एक जगह पर, हम तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि एक ही व्यक्ति की मजार, मतलब एक जगह पर चंद मीटर्स की दूरी पर तीन से चार मजारें हैं, ये कैसे हो सकता है? देखो कब्रिस्तान एक आदमी की नहीं हो सकती ना, हो सकता है वो चार से पांच लोग लग रहे हो, नहीं चार से पांच लोगों का भी कैसे हो जाएगा? मस्जिद कब्रिस्तान पर होनी चाहिए ना मजार, तो आखिरकार पब्लिक प्लेस पर मजार कैसे होगा? देखिए अगर कोई आदमी अपने खेत में अगर दफन होना चाहता है, अपनी जगह में दफन होना चाहता है, उसको कहा गया उसकी इच्छा पूर्वक मुझे दफन कर दिया जाए तो वो दफन हो सकता है। देखिए मैं सुन रहा था आपको, आप अगर बोलेंगे ना इस तरह से तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। देखिए आप बोल रहे थे, मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जमीन सरकारी है, सरकारी जमीन पर चार चार पांच पांच मजारे एक साथ कैसे आ गई, कहां से ऊपर पड़ी? देखिए नाज़िम साहब बंसल जी जानना चाहते हैं, नाज़िम साहब वो ये जानना चाहते हैं कि भाई जब हम कब्र की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि अगर उसकी इच्छा है अपने खेत में दफन होने की, तो वहां अगर उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी तो वो दफन होना चाहता है और उसको दफन किया भी गया, मजार की शक्ल दी गई है,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो वहां पर जिसकी मजार बनाई गई है जिम कॉर्बेट, जहां पर ऐसा ऐसे घने जंगल जहां पर इंसान का चलना दुभर है, वो वहां पर इच्छा करेगा कि आप मेरी मेरी कब्र वहां पर बना दीजिएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एकांत में जाकर इबादत करता हूँ। देखिए, इबादत का जो नाम है ना वो एकांत है। इबादत किसी को दिखाकर नहीं की जा सकती। आप अकेले में इबादत करें तो ज्यादा बेहतर है। कमाल की बात है यार, कैसे लोग जैसे मठ बना दिए, मठ कैसे बना दिए? कैसे आदमी वहां चला गया भाई? कैसे मठ बना दिए? नहीं, मठ कैसे बना दिया? चला गया मठ तो बन सकता है, लेना देना किसी से? मठ बन सकता है, ये गलत मठ बन सकता है, लेना देना किसी? अब ऐसे तो मंदिर कितने मठ हैं? एक आदमी कैसे वहां चला गया? जंगल में अगर किसी का मठ है तो वो जंगल में कैसे जगह मर गया? आपने पहले ही कहा मजार किसी मर गया, किसी दूसरे के स्थान पर नहीं बन सकती। बिना मर्जी के नहीं बन सकती, मजार में कब्र होती है, होना चाहिए तभी मजार बन सकती है। तो ये तो सब चीजें झूठी चल रही है। आपने नहीं, वो जो जमीन है वो उस व्यक्ति की है और नहीं उसकी उसमें आस्था है। मुझे बताइए आखिरकार, आपने चार बातें कही ना जी कि मजार कहाँ हो सकती है। आप, मैं आपकी बात तो आगे बढ़ा रहा हूँ मौलाना साहब, सुनिए जरा। एक मिनट सुनिए। अरे मौलाना जी सुनिए, बोलिए मत। आप सुनिए, आपने चार बातें कही कि मजार एक व्यक्ति की हो सकती है, किसी जानवर की नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि जो मजार है उसके अपने स्थान पर होगी। तीसरी बात ये कि अगर किसी दूसरे के स्थान पर होगी तो सहमति होगी। यहाँ पर तीनों चीजें नहीं है, व्यक्ति की है। नहीं, नाजिम साहब मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी। नाजिम साहब, मैं एक बात समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में बंसल जी भी ये बात समझना चाहेंगे और जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं वो भी ये बात समझना चाहेंगे। आपने कहा किसी व्यक्ति ने इच्छा जाहिर करी या वो वहां पर अध्ययन करते करते, पूजा करते करते, आस्था में लीन रहते रहते उसने प्राण त्याग दिए, इसलिए उसकी मजार वहां पर बना दी गई। एक साथ चार पांच लोगों ने उसी जगह पर प्राण त्याग दिए और ऐसे प्राण त्यागे कि उनके अवशेष भी नजर नहीं आ रहे हैं। और प्राण त्यागे तो त्यागे, फिर उसके बाद किसी ने परमिशन तक नहीं ली प्रशासन की। आप अवैध, आप जो है सरकारी जमीन पर मजार बना रहे हैं, खड़ंजा खड़ा कर रहे हैं, ईटा गारा लगा रहे हो और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे पास परमिशन नहीं है। साहब, ये तो आस्था का विषय है, यहाँ पर तो हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना कौन कर रहा है? आपके लोग वहां पर आ नहीं रहे, सारे के सारे हिंदू आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, तो उसको किस चश्मे से देखा जाए? आप प्लीज मुझे बताएं इसको। लैंड यार, ओनली लैंड यार। कोई बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा उसमें भी धागे बांधना शुरू कर देते हैं, उसमें भी आस्था शुरू कर देते हैं। अभी से मैं कैसे रोक सकता हूँ आप बताइए? अब अगर किसी के मंदिर में जा रहे हैं तो आप मुझे टोक सकते हैं? हमारे अगर कोई किसी मजार पर जाता है, मैं तो नहीं जाता, अगर कोई किसी मजार पर जाता है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ उसका? मैं कैसे ठेकेदार हो गया भाई? ये तो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लोग जाते क्यों है? अभी आपने कहा हिंदू क्यों जाते हैं भाई? हम तो किसी बरगद के पेड़ की पूजा नहीं करते, हम किसी बरगद के पेड़ में धागे नहीं बांधते। ये मजार का सवाल है। ये बात पूजा जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हिंदू समाज को इन बरगदों की, ये इन बरगलाने वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू समाज को किसी भी मजार पर, किसी भी कब्रिस्तान पर किसी भी प्रकार की आस्था होनी नहीं चाहिए। ये जो सूफी संत आए थे, तथाकथित सूफी जो है भारत के अंदर आए थे, उन्होंने इस देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। और ये जो जिनको सूफी संत कहते हैं, ये सूफी मौलवी थे, उन्होंने इस देश को धर्मांतरण के अड्डे बना दिए। और ये मजारों के माध्यम से, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार हो या वो किसी दूसरे की हो, उन मजारों के माध्यम से ये जो धर्मांतरण के अड्डे चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनके जो आलिम है, वो आलिम जो है ना जन कांका लिप्त है, ये पूरा कई जगह एक्सपोज हो चुका। लेकिन अब जो है ना, ये मजारों का जो चारों तरफ जो कुकरमुत्तों की तरह उग रही है, उन मजारों को तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, देखिए इनकी मौलाना की बातें सारी अपनी झूठी हो गई। लेकिन एक और बात पूछना चाहता हूँ, आखिरकार मजार के नीचे कुछ तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप कह रहे कुछ नहीं होगा, तो मुझे बताइए कि ये जो दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर के ऊपर मजार कहां से आ गई? क्या फ्लाईओवर के नीचे वो आरसीसी के जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसके नीचे किसी ने दबा दिया क्या उसको, किसी मुस्लिम को? ये बेकार की दलील ठीक नहीं है। आप सीधा बोलिए, इस्लाम के अनुसार ये मजार है ठीक नहीं है। ठीक है। नाजिम साहब आप कह रहे हैं आस्था का विषय, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं? ठीक है, मैं समझना चाहूंगी, क्या आप इस बात से अग्री होते हैं कि अगर हर एक मजार का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, हर एक मजार के टेस्ट करवा लिए जाए, अगर उसमें ह्यूमन पार्टिकल्स मिलते हैं
माइन्यूट माइक्रो पार्टिकल्स भी मिलते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, और अगर उनमें पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं तो उनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। सीधी सी बात है, वो अवैध अतिक्रमण है। मैं कहता हूँ अवैध तो वो भी है जो जिसके अंदर ह्यूमन पार्टिकल मिलते हैं। रविंद्र जी के पास जाएंगे, रविंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। जी रविंद्र जी, देखिए मैं बड़ी देर से सुन रहा था हमारे मौलाना नाजिम जी को, इन्होंने एक बात कही कि जब कोई हमारे यहाँ मर जाता है तो उसको दफना देते हैं रीढ़ की हड्डी में। उन्होंने बताया उनकी आस्था का प्रश्न है, मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनका कहना है कि कयामत की रात को वह फिर जीवित हो जाएगा, तो मेरा कहना यह है कि मैं बहुत सारे ऐसे स्थान भी जानता हूँ, मैंने देखा है जहाँ पहले कब्रिस्तान होता था वो कब्रिस्तान हटा के वहां पे इन्होंने मस्जिद बना दी। अब मुझे बताइए जो उसके नीचे दफन हो रहे हैं वो कैसे जिंदा होंगे कयामत वाली रात को? आप थोड़ा सा मुझे इसका सरल उदाहरण कोई है आपके पास? नाजिम साहब, आप नाजिम साहब आपके पास एक मिनट, उसके बाद में राजेंद्र जी के पास जाऊंगे। देखिए मस्जिद कभी कब्रिस्तान में नहीं बनाई जाती, कब्रिस्तान से हटकर जहाँ बनाई जाती है, जहाँ कब्र है वहाँ मस्जिद बनाना अलाउ बनाते ही नहीं है मस्जिद। और दूसरी चीज, अब जो नास्तिक लोग हैं वो तो इनको भी नहीं मानते हैं, अरे वो तो किसी धर्म को मानते नहीं, ये कौन सा सवाल हो गया भाई कि वहाँ कैसे कयामत कितनी इकट्ठे की जाती है? ये हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना दीन है, हमारा मजहब है, ये हम इसका आस्था रखते हैं, हम मानते हैं सर। अब आप जो जिस मूर्ति को आपने खुद अपने हाथ से बनाया है आप उसकी पूजा कर रहे हैं, कैसे आपका भला कर सकते हैं वो भाई? भाई मैंने आस्था का सवाल नहीं उठाया, आपकी आस्था का सम्मान करते हुए बेकार करके हिंदुओं की आस्था को चैलेंज मत करिए। और मौलाना मौलाना जरा थोड़ा सा हाथ में रहिए, ज्यादा ठीक रहेगा। और बहुत सारी आस्था अधिकार नहीं है, ठीक है। मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। राजेंद्र जी देखिए, आपने पूरी ये चर्चा सुनी किस तरीके से पूरा मुद्दा, हम लाख कोशिश कर लें कि धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन जहां मजार और मंदिर की बात आती है, धर्म का जिक्र ना हो, आस्था का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, और पिछले डेढ़ दशक में जिस तरीके से अतिक्रमण लगातार बढ़ा, खासकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो रेलवे की कई हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। बनभूलपुरा हमसे हिडन नहीं है, अभी कुछ ही दिन पुराना मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की बात चल रही थी। लेकिन इस बीच कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस तरह की मजारे भी अब सामने आने लगी है। इसको लेकर के जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, उसके दूरगामी जो रिजल्ट है वो क्या होने वाले? अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 2000 के बाद से जब से स्टेट बनी है, इस उत्तराखंड स्टेट को बहुत सॉफ्ट स्टेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो ज्यादातर आस्था वाले लोग हैं, भगवान में पूजा करते हैं, और उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ एक कम्युनिटी रहती है। उन लोगों ने धीरे धीरे करके क्या करा कि जहाँ पे जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पे अगर आप समझे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मजारे बन गई हैं, और करीबन 1000 से ज्यादा मजारे जो है अभी चिन्हित हुई हैं, उसमें अगर आप ये देखें कि 102 मजारे ऐसी हैं जो भी मेरे पास लेटेस्ट रिकॉर्ड आए हैं, उसके अंदर अगर आप ये देखें कोई मानव अवशेष नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइप से जो है किसी तरह लैंड जिहाद का एक तरह का जो है एक कम्युनिटी बात कर रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये क्यों होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो लोग अपने लिए कहीं अगर लैंड को जो है ग्रेव करना चाहते हो तो धीरे धीरे करके उसको आस्था के नाम पर मजार बनाते हैं, और उसमें हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा हाथ है कि हम लोग भी जाके उन मजारों पे जो है पैसा चढ़ाते हैं और उन लोगों को प्रमोट करते हैं। तो मैं तो आपके जो है जनता टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब बहुत कुछ हो चुका है, अब जो है कृपया करके ये ना करें कि उत्तराखंड को सॉफ्ट स्टेट माना जाए, जितने भी मजार हैं, जितनी भी चीजें। और अगर हम इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया की भी अगर हम बात कर लें राजेंद्र जी, तो आस्था इतना सॉफ्ट टॉपिक है कि कोई उसको टच ही नहीं करना चाहता है, या टच करना भी चाहता है तो हम इंडल्ज नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप वोट डाइवर्जन का आरोप लगा दोगे, आप अपने लोगों को बायकॉट कर लोगे, बहुत सारी चीजें, और इसी की आड़ में अतिक्रमण हो गया और भी चीजें हो गई, वो लगातार चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। पूजा जी अगर आप ये देखें जो अतिक्रमण है वो जब भी जो किसी लैंड पे होता है तो वो अतिक्रमण है, वो चाहे मजार है या कुछ भी है, अतिक्रमण के ऊपर गवर्नमेंट को सख्त से सख्त ऑपरेशंस करना पड़ेगा, और इन सब जो लैंड याद है इसको हटाना पड़ेगा। और जहां तक बात पूरे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्यों इसलिए हो रहा है कि जो जमीनें हैं उनके रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सर छुपाने के लोग चाहिए तो उन मजारों के पीछे लोग अपनी झोपड़ियां बना देते हैं। देहरादून में इतने सारे केसेस हुए हैं, और
जो है इस तरह की मजारें हटाई गई हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम हिंदू लोग भी जो है उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग क्यों मजारों पे जाते हैं जो कि जो एक ना आस्था है और ना हमारी उनपे जो है हमें कुछ नहीं मिलने वाला। विनोद जी का लास्ट पॉइंट मैं लूंगी फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। विनोद जी देखिये, पूजा जी एक बहुत बड़ी एक माफिया है, ये पूरा मजार माफिया है जो कि लैंड जायदाद के माध्यम से देश को कब्रिस्तान बनाने पर जुटा हुआ है। आप देखिए कि इसको बहुत गंभीर जांच की जरूरत है। अब जिस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह जो मजारें उग रही हैं उनसे जो है देश को पूरे को एक जगह जगह देश की राजधानी भी सूची नहीं है। आप देखिए संसद भवन के बाहर मजार बनी हुई है, आप देखिए हेडक्वार्टर के बाहर मजार बनी हुई है। आखिरकार वहां आदमी कहां से आया भाई, किसने दफनाया, कोई प्रूफ है क्या? नहीं। लेकिन कारण क्या है कि पहले ये दो दो ईंटें रखते हैं, फिर उसको 10 हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर और विनोद जी सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो निर्माण होते हैं उसके आसपास लोग भी बस रहे हैं, उसके आसपास लोग भी बस रहे हैं जिनके पास किसी तरह का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। पूजा जी मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, देखिए कि दो ईंटों से चार ईंट, छह ईंट और उसके बाद में हरा कपड़ा के बाद में फिर एक छोटा सा टेम्परेरी स्ट्रक्चर के बाद में परमानेंट स्ट्रक्चर, और वहां पर एक दो दस मुसलमान आ जाते हैं, फिर बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू आ जाते हैं बेवकूफ बनने के लिए, और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या होता है उसको अगर हम अन्य भाषा में कोड ना भी करें तो भी मैं तमाम दर्शकों के साथ में एक बात साझा करना चाहूंगी कि इस विषय को अगर हम धर्म के चश्मे से ना भी देखें, अवैध निर्माण के तरीके से देखें, धर्म का चश्मा बिल्कुल, इसको अगर हम अवैध निर्माण के चश्मे से देखें तो भी राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। हमारे साथ में तमाम चार लोग जुड़े जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। किसी का कहना है आस्था का विषय छेड़छाड़ मत कीजिए, किसी का कहना है कि ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और उस पर धीरे धीरे काम होना चाहिए। देखिए आस्था हमारे और आपके, अगर हम देश को एक शरीर मान लें तो आस्था उसकी आत्मा है, और आस्था किसी भी धर्म की हो, आस्था किसी भी समुदाय की हो, किसी भी भावना की हो, वो अपने आप में इतना कॉन्क्रीट विषय है कि उसको हिला पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आस्था के नाम पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जनता टीवी इस बात का समर्थन भी करता है और अपना पक्ष भी रखता है। हम कह रहे हैं कि अगर धामी सरकार के साथ में कि अगर अवैध निर्माण के विषय पर वहां पर किसी तरह के ह्यूमन पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं तो उसको धराशायी होना चाहिए, और हर समुदाय को करबद्ध होकर के सिर झुका करके अपनी सरकार का समर्थन इन विषयों में करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधे तौर पर इसको धार्मिक एंगल दे देंगे तो समस्याओं का समाधान तो नहीं हो पाएगा साहब, और समस्याएं बड़ी से बड़ी होती चली जाएंगी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार। किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा।